हेलो डियर स्टूडेंट्स हाव यू ऑल आई होप दैट द संडे वेंट वेरी नाइसली डियर स्टूडेंट्स आई अमृता रावल वेलकम यू ऑल ऑन द ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी चैनल इस पर्टिकुलर चैनल पे हम लोगों ने फिक्स करा हुआ है हम लोगों ने सोचा हुआ है कि हम लोग बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें और सारे प्यारे बच्चे जो हैं यहाँ पर वो 360 ऑन 360 का कॉन्फिडेंस बायोलॉजी में गेन कर सकें ये कॉन्फिडेंस अपने आप नहीं आ जाएगा दैट इज क्वाइट ओब्वियस मुझे मेरी तरफ से जितना भी इनपुट मैं दू उसकी बराबर आउटपुट आपकी साइड से चाहिए है और ये आउटपुट आप लोग मुझे कैसे दे सकते हैं दैट विल बी ओनली विद हेल्प ऑफ वन थिंग दैट आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन टू वॉच दीज लेक्चर्स ऑन डेली बेसिस जो लेक्चर आज रिलीज हुआ है उसको आज ही पढ़ के खत्म करो कोशिश ये रखे हैं सभी लोग कि बायोलॉजी जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट बोलते हैं जो कि एक्चुअल में कंपेरेटिवली फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपेरिजन में ईजी माना हुआ सब्जेक्ट है एटलीस्ट हम उसके अंदर तो पूरे के पूरे स्कोर को टारगेट करके चले क्यों बच्चे ऐसे कई बार टारगेट कर लेते हैं कि हम 300 प्लस ले आएंगे वाई दस टारगेट आई वॉन्ट यू ऑल टू कीप अ टारगेट हाई टारगेट ऑफ थ्री फोर्टी प्लस और थ्री फिफ्टी प्लस इन दायोलॉजी सब्जेक्ट कोशिश करो कि जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करते जाओ वीकली टेस्ट अटेंड करो ठीक है और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो स्ट्रेंथन करो हियर आप लोग अभी देख सकते हैं देर इज ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी चैनल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू फॉर ऑल दो आर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल राइट नाउ प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर द चैनल विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स जिनके साथ आप शेयर करना चाहते हैं अलॉन्ग विद डियर स्टूडेंट्स वी डू हैव द केमिस्ट्री चैनल फॉर ग्रेविटी सर्कल एज वेल जहां पर मृत्युंजय पंड्या सर जो है आप लोगों को केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में मदद कर रहे हैं ही इज टीचिंग इन द नीट एज वेल एज जेई ब्रांचेस बिल्डिंग अप द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एट अटमोस्ट पॉसिबल लेवल सो आई होप दैट दीज बोथ गिवसेप्चुअल क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट वेयर वी आर इन राइट नाउ इन नीट यू आर नीट एस्परेंट और यू आर क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट और यू आर क्लास इलेवन स्टूडेंट दीज अर सब्जेक्ट विच आर प्रेजेंट इन द साइंस स्ट्रीम जहां पर हम लोगों को इनको बहुत स्ट्रेंथन करना है अलॉन्ग विद दैट सर इज ऑल्सो हैविंग अन अदर चैनल वेयर ऑन गिविंग सम का स्टूडेंट्स ताकि आपका एंथोसियाजम हाई लेवल पर बना रहे तो ये तीनों ही चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे ये बता देती हूँ मैं सभी लोगों को सो टूडे एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द रिमेनिंग पोर्सन ऑफ एनिमल किंगडम एज यू ऑल प्रोबेबली रिमेंबर सभी लोगों को शायद याद होगा मैं वापस एक बार स्लाइड खोल देती हूँ ताकि तुम्हें याद आ जाए हमने एनिमल किंगडम पढ़ना स्टार्ट कर दिया था जहां पर मैंने आप लोगों को बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के कुछ एक पॉइंट्स को इलाबोरेटिवली समझाया था ऑल द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एज इट इज पॉसिबल पर हम लोग थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर थे जिसके आगे से हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं ठीक है तो बेसिकली अब देखो क्या समझा रहे हो ध्यान सुनना ठीक है कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम जो है

और एजेशन ऑफ फूड फूड नहीं बोलना चाहिए पर अनडाइजेस्टेड जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है फीकल मैटर है उसको बाहर भेजने के लिए एनस होगा दो डिफरेंट अप्रोचर होंगे ठीक है अब एक और बात समझते हैं कि जिसके पास में एक सिंगल ही ओपनिंग इन दोनों कामों को uh, गवर्न कर रही हो रेगुलेट कर रही हो मतलब कि खाने की एंट्री माउथ से हो रही है लेकिन फीकल मैटर बाहर भी माउथ से ही जा रहा है मतलब कि एक ही सिंगल अपर्चर है उसको माउथ भी बोलना बुरा हो जाएगा और इनस भी हम सिंपल बोलेंगे वन सिंगल ओपनिंग सर्विंग बोथ एज़ माउथ एंड इनस दैट विल बी इनकंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ये दोनों हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए हैं अब मैं आप लोगों को बता देती हूं कि इनकंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट कौन-कौन से फाइलम में होता है इट इज प्रेजेंट इन फाइलम सिलेंट्रेटा इट इज प्रेजेंट इन फाइलम टीनोफोरा एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फाइल प्लेटी हेलमेंट ठीक है इन तीनों फाइला के अंदर ये इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है प्रोमनेंटली ठीक है और कंप्लीट टाइप कहां से बोलना चालू कर देंगे हम लोग वेरी सिंपल एसकेलमेंड दैट मीन्स कि इसके आगे से हमारा जो है वो हो जाएगा कॉड डेटा तक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है यहां तक की बात समझ आई देखो जल्दी से एक विजुअल आप लोगों को फिर से दिख रहा होगा कि यहाँ पे माउथ है और ये माउथ से खाना अंदर आया उसकी प्रोसेसिंग हुई स्टमक के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ठीक है और भी कुछ एक एसोसिएटेड ग्लैंड ने मदद करी ये सब काम अचीव करने के लिए और फाइनली जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो बाहर कर दिया गया एनस के थ्रू ठीक है तो ये हमें समझ आया कि एक सिंगल ट्यूब है लेकिन इसके दो ओपनिंग्स हैं दो एंड्स हैं एक एंड इसका माउथ है ठीक है और एक एंड इसका एनस है यहां तक की बात हमारी क्लियर है ऐसा अगर होता है तो हम क्या बोल देंगे इसको इट विल बी कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो इतनी बात सभी लोगों को समझ आ गई है प्रोबेबली आगे प्रोसीड ऑन करते हैं अब हम लोग सेकंड सिस्टम जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे हम लोग एनिमल किंगडम के अंदर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर एक पॉइंट आता है हमारे सामने सर्क्यूलेटरी सिस्टम के बेसिस पे सर्क्यूलेटरी सिस्टम बेसिकली कंजिस्ट ऑफ वॉट ऑल थिंग्स देन वी एक्चुअली इमेजिन दैट देर विल बी हार्ट हार्ट होगा ना दिल तो होगा ही उसमें और ये हमारा सर्क्यूलेटरी सिस्टम का इमेजिनेशन बोल रहा है है ना इसके अलावा क्या होगा वहां पर ब्लड वेसल्स होंगी ब्लड वेसल्स में भी वेरिंग डायमीटर के ब्लड वेसल्स हो सकते हैं जैसे कि आर्टरी अलग सुनते हैं हम लोग आर्टेरियोल अलग सुनते हम लोग और कैपिलरी अलग सुनते हम लोग आर्टरी ठीक है एओटा आर्टरी आर्टेरियोल और कैपिलरी ये चारों जो है वेरिंग डायमीटर की है वेरिंग डायमीटर का मतलब होता है कि सबसे ब्रॉड वाली कौन सी हो जाएगी सबसे ज्यादा ल्यूमेन किसके पास होगा वो हो जाएगी हमारी सबसे ऊपर वाली एओटा और सबसे थिन वाली कौन सी होगी जिसका ल्यूमेन सबसे कम होगा वो हो जाएगी कैपिलरीज ठीक है तो यहां पर हम लोगों ने ये सर्कुलेटरी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी अब बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी किस रेस्पेक्ट में बात हो रही है ठीक है तो अब मैं तुम लोगों को एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल से बताती हूँ ये वाली बात देखो हम पहले एक फोटोग्राफ देखते हैं आ, या हम लोग ऐसे करते हैं पहले कुछ समझते हैं देखो मैं तुमको बता रही हूं अगर मैंने किसी चीज को बोला ओपन टाइप और अगर मैंने किसी चीज को बोला क्लोज टाइप ठीक है तुम लोग फिजिक्स पढ़ते हो ना सारे लोग ठीक है जब भी तुम लोग फिजिक्स पढ़ते हो तुम लोग सर्किट्स पढ़ते हो राइट सर्किट अगर ओपन होगा तो क्या करंट का फ्लो हो सकता है नहीं हो सकता ना और अगर सर्किट क्लोज होगा तो ही करंट का फ्लो हो सकता है ठीक है तो मैं ये बोल सकती हूँ ना कि क्लोज सर्किट बेसिकली जब भी होगा तो यहां पर प्रॉपर फ्लो होने की चांसेस है हमारी बॉडी भी सेम वही बात कर रही है ठीक है तो अगर ओपन टाइप होता है ना तो मैं बोलूँगी ब्लड का फ्लो प्रॉपरली नहीं होगा द रीज़न बिहाइंड दैट क्योंकि ब्लड जो पंप कर दिया गया है, वो किसी ना किसी वेसल में तो आया है पर वेसल में आने के बाद में आगे का रास्ता जो है वो कंटिन्यूस नहीं है एक कैविटी आ गई और वो ब्लड जो है वो कैविटी में आ गया अब कैविटी से वापस से ब्लड वेसल में चढ़ना ये एक भारी काम है तो हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा हो जाता है इट इज लेस कॉम्प्लेक्स ठीक है ये एक लेस कॉम्प्लेक्स वाला हो जाएगा और क्लोज टाइप वाला कौन सा हो जाएगा इट विल बी मोर कॉम्प्लेक्स ठीक है और इन दोनों में से बेटर कौन सा लग रहा है तुम लोगों को जल्दी बताओ बेटर कौन सा हो जाएगा तो बेटर ऑटोमेटिकली आप लोग बता देंगे मुझे कि दिस वन विल बी बेटर ठीक है दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स बट दिस इज बेटर ठीक है बेटर विथ वॉट रिस्पेक्ट मैंने क्यों बेटर बोल दिया होगा इसको क्या कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की बात तो नहीं हो रही है यहां पर हमें देखना है बेटर किस कॉन्टेक्ट में है किस रिस्पेक्ट में है बेटर विथ रिस्पेक्ट टू ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस ब्लड प्रेशर का जो मेंटेनेंस है ना वो ज्यादा बेटर हो सकता है इसमें ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रख सकता है प्रॉपरली कौन सा वाला क्लोज वाला ठीक है और ये वाले में ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस इज़ नॉट प्रॉपर नॉट अप्रोपरीट इसीलिए मैंने लेस कॉम्प्लेक्स बोला और इसे मैं इसको पोर बोल दूँगी ठीक है अब तुम जनरल इमेजिनेशन से मुझे अगर बताते हो कि मैम ओपन वाला ज़्यादा बेटर होगा या लोअर फाइला में प्रेजेंट कौन सा होगा इन दोनों में से बताओ ओपन वाला जो है वो लोअर फाइला में होना चाहिए कि एक हायर फाइला में होना चाहिए जल्दी से ठीक है तो ओपन वाला जो हो जाएगा दैट विल बी सिंपली प्रेजेंट इन द लोअर फाइला व्हेन कंपेयर्ड टू द क्लोज्ड वंस व्हिच विल बी प्रेजेंट इन हायर फाइला बट दिस इज नॉट एट ऑल अ थंब रूल ऐसा फिक्सेशन नहीं लगाना कभी ठीक है द रीजन बिहाइंड दैट हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी बायोलॉजी के अंदर एक्सेप्शंस विल बी प्रेजेंट हर कदम पर है ना जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें हर जगह पर एक्सेप्शन मिल सकता है हमें कोई के अंदर सिस्टम तो तो लोअर तो फाइला में ज्यादा प्रेजेंट होगा और क्लोज्ड वाला हायर फाइला में ज्यादा प्रेजेंट होगा क्या इतनी बात सभी लोगों को समझ आ गई है और अगर समझ आ गई तो फटाफट से यस yes मैम लिख दो इतनी बात समझ आ गई सबको ठीक है तो चलो आगे प्रोसीड करते हैं अब मैं तुम लोगों को एक चीज दिखा रही हूँ जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो इस फोटोग्राफ से ही ये समझ में आ सकती है बात ठीक है तो देखो इसको हम लोग एक डार्क कलर कर लेते ताकि दिखे तुम्हें तो यहां देखते हैं ये मैंने बोला कि ये हार्ट है इमेजिन करते हैं फर्स्ट केस दिख रहे हैं ठीक है फर्स्ट केस ये हार्ट है सभी को दिख रहा है हार्ट हार्ट से निकलते हुए वेसल दिख रही है हम लोगों को मैं हार्ट से निकलते हुए वेसल को एडा बोल सकती हूँ क्या मैं आर्टरी बोल सकती हूँ क्या जो भी वेसल हार्ट से ब्लड लेके जा रही है ठीक है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं आर्टरी है ना तो मैंने जनरली बोल दिया इसको आर्टरी एओटा आर्टरी जो भी बोलना चाहो बोलो आर्टरी होगी ठीक है ब्रांच बन रही है इसकी देखो तो यहां पर मैंने बोला इसकी फाइनल ब्रांचेस बनी तो क्या मेरे ये बोलना गलत नहीं हो जाएगा कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स एबसेंट होती हैं जल्दी बताओ क्या मैं ये बोलूं कि ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स एबसेंट होती हैं ये हम बोल ही नहीं सकते अगर हम ये बोल रहे हैं तो दिस इज अ वेरी 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 रॉन्ग स्टेटमेंट और यहां पर बच्चे अटकते हैं क्वेश्चंस लगाने में वो क्या सोचते हैं कि ओपन टाइप वाले के अंदर ब्लड वेसल होगी ही नहीं जबकि ये एक गलत पॉइंट है ठीक है तो ओपन टाइप के पास ब्लड वेसल तो डेफिनेटली प्रेजेंट है तभी तो मैंने यहां आर्टरी लिखा ठीक है तो ब्लड वेसल तो प्रेजेंट है परंतु क्या एबसेंट है यहां पर इस क्लोज टाइप की तरह कैपिलरी सिस्टम नहीं बन रहा समझ आई बात तो हम ये बोलेंगे कि जो क्लोज टाइप वाला रहता है उसके पास में कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं और ओपन टाइप वाले के पास में ब्लड कैपिलरीज एबसेंट होती हैं इसीलिए जस्ट इमेजिन कि लेट अस सपोज कि इधर एक ऑर्गन प्रेजेंट है एक ऑर्गन प्रेजेंट है तो मुझे फटाफट से बता दो तुम लोग के तुम्हें समझ आ रहा है हार्ट ने ब्लड को पंप किया और ये जो ब्लड है ना ये आके यहाँ पर भर गया ठीक है इस ऑर्गन के आसपास ये ब्लड भर गया और ये कैविटी हो जाएगी फिर ब्लड फिल्ड कैविटी इस कैविटी को क्या बोल दूंगी मैं ब्लड से भरी हुई कैविटी ब्लड फिल्ड कैविटी बोल सकते हैं अब कैविटी शब्द के लिए जब भी कैविटी होती है ना वर्ड हमेशा मैं यहां लिख देती हूँ वर्ड रूट ध्यान रखने के लिए कैविटी वर्ड के लिए हम हमेशा सील वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जनरली हीमो सील बोल दिया तो ब्लड से भरी हुई कैविटी है ना ऐसे सील वर्ड जो होता है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैविटी वर्ड तो मैं ब्लड फिल्ड कैविटी को यहां पर मुझे जल्दी से बता दो कि क्या मैं ब्लड फिल्ड कैविटी को बोल सकती हूँ हीमोसील हीम मतलब की ब्लड से भरी हुई सील मतलब की कैविटी सिंपल ठीक है तो अब मुझे बताओ कि ब्लड फिल्ड कैविटी दिख रही हम लोगों को मैं ये बोलू क्या कि ऑर्गन आर डायरेक्टली बाथ इन बाथिंग टेकिंग अ बाथ इन द ब्लड बोल सकते हैं ना बाथ इन द ब्लड इज इट कैन वी से दिस तो ओपन सिस्टम के अंदर एक बात ध्यान रखनी है कि ऑर्गन्स ठीक है और टिश्यूज दोनों बातें हो सकती हैं डायरेक्टली बाथ इन द डायरेक्टली बाथ इन द ब्लड ठीक है क्योंकि वो एक ब्लड फिल्ड बॉडी कैविटी से सराउंडेड है दैट्स वेरी सिंपल थिंग ठीक है अब मुझे बताओ एक ऑर्गन लड़ सपोज यहां पर प्रेजेंट है ठीक है ये एक ऑर्गन नंबर वन समझ लेते हैं समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बोलती हूँ काफी सारे बच्चों की कंप्लेन uh, है ये पर क्या होता है ना फ्लो में जब पढ़ा रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा फास्ट निकलती है चीज़ें दिमाग से जिस स्पीड से दिमाग चल रहा है उस स्पीड से जुबान चल रही है ऐसा होता है कई बार खैर कोई बात नहीं मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें अगर लगे स्पीड रिड्यूस करनी है तो आई विल ट्राई दैट ऑल्सो ठीक है पर तुमको पढ़ना पड़ेगा बस इतनी बात है चलो तो ये हो गया ऑर्गन नंबर वन देख लिया सबने ना ये ऑर्गन नंबर टू को मैं इधर चिपका देती हूँ बेटा चिपका दिया ऑर्गन नंबर टू इधर चिपक जाओ ठीक है अभी मुझे बताओ कि ज्यादा ब्लड का फ्लो या प्रेशर ऑर्गन नंबर वन के पास पहुंच रहा होगा कि ऑर्गन नंबर टू के पास पहुंच रहा होगा क्लियर और क्वाइट ओब्वियस बात बतानी है ठीक है तो क्या समझ आया कि ऑर्गन नंबर जो टू दिख रहा है ना सभी लोगों को इसके पास में ज्यादा बेटर तरीके से ब्लड का फ्लो जो है वो पहुंच रहा होगा क्योंकि वो बिल्कुल ब्लड वेसल के पास में तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि यहां पर थोड़ी सी बायसनेस हो गई बायसनेस का मतलब भेदभाव कि ऑर्गन टू के पास में शायद ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाएं और ऑर्गन वन के पास में शायद से कम न्यूट्रिएंट्स आए क्योंकि तो ब्लड के अंदर डिजॉल्व न्यूट्रेंट होंगे ऑर्गन टू के पास में ज्यादा न्यूट्रेंट्स आ जाए और ज्यादा ऑक्सीजन आ जाए कंपैरिजन टू तो द दर्गन वन क्योंकि शायद ज्यादा प्रेशर से जो ब्लड आ रहा था वो ऑर्गन टू के आसपास टकरा रहा था और ऑर्गन वन थोड़ा दूर था कैन बी अ पॉसिबिलिटी ठीक है तो यहां पर बोल देंगे बायसनेस हो गई भेदभाव हो रहा है ऑर्गन के साथ में बराबर मात्रा में न्यूट्रिशन दोनों में से किसी भी ऑर्गन को नहीं मिल रहा ठीक है कहीं ज़्यादा है कहीं कम है इसीलिए ये पोअर है ऑटोमेटिकली जहां बराबरी होगी वो अच्छा होगा कंपैरिजन में ठीक है तो ये हमें समझ में आ गया फर्स्ट वाला पॉइंट कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या क्या फ्लॉज हो सकते हैं प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पहला प्रॉब्लम आ जाएगा आपके सामने कि वहां पर ब्लड कैपिलरीज नहीं है क्योंकि इस कारण से ब्लड प्रेशर का नियंत्रण प्रॉपर नहीं है ब्लड प्रेशर रेगुलेटेड प्रॉपर तरीके से नहीं है दूसरी बात हमें समझ में आ गई है कि क्योंकि ऑर्गन अलग अलग लोकेशन पे प्लेस हो सकते हैं सारे ऑर्गन के पास में इक्वल प्रेशर सराउंडिंग ब्लड का नहीं होगा कभी भी इस कारण से किसी ऑर्गन को ज्यादा न्यूट्रिशन मिल जाएगा और किसी ऑर्गन के पास में न्यूट्रिशन कम पहुंचेगा सम वेयर दिस वन इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वन नॉट अ गुड वन ठीक है कंपेरेटिव टू वॉट कंपेरेटिव टू दिस क्लोज वन जहां पे मैं देख सकती हूँ कि हार्ट से ब्लड जो पंप हो रहा है वो जा रहा है ब्लड वेसल्स में मूव कर रहा है कैपिलरीज बेसिकली टिश्यूज को सराउंड करती है मान लो कि एक टिशू यहाँ पर है ठीक है ये टिशू है तो कैपिलरी बेड हर टिशू के पास पहुंचता है हर टिशू के पास कैपिलरी बेड पहुंचता है वहां टिशूज और टिश्यूज और ब्लड के बीच में बेसिकली डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं है कैपलरी के वॉल से होते हुए न्यूट्रिशंस पहुंचेंगे टिशू के फ्लूड में आई बात समझ में और फिर फाइनली जो हैं उनको कलेक्ट करते हुए एक वेसल दोबारा जा रही है और उस वेसल का नाम हो जाएगा वेन आ समझ ठीक है तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ वेन और वेन जो है इम्प्योर ब्लड को कैरी करके दोबारा से पहुंचाएगी हार्ट के पास मतलब मेरे पास में पूरा का पूरा क्लोज चेंबर अचीवमेंट है क्या मैं ये बोल सकती हूं कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के पास में ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड फ्लो कर रहा है क्योंकि वो भी वेरिंग डायमीटर की ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पर ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा और न्यूट्रिशन एक्सचेंज प्रॉपर होगा वेल डिफाइंड मानर में होगा क्लियर बात है आया समझ में ये देख लो सभी लोग पहले ये देखो ठीक है यह है एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाला और ये वाला हमारे पास में है क्लोज देखो फर्स्ट वाला देखते हैं हम लोग ओपन ओपन में देखो ब्लड जो है ना ट्यूबुलर हार्ट से जा रहा है हेड साइनस में भर रहा है इधर कहीं आ गया कैविटी में इसके फिर कैविटी से ऊपर इस कैविटी में आया ऐसे करते हुए ये कैविटी से जा रहा है हार्ट के पास आया समझ में ठीक है तो ब्लड जो है बेसिकली इनके साइनस में या ब्लड फिल्ड कैविटी में भरा हुआ है ना और इधर देखें तो हम लोग यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ यहाँ देखते हैं सभी लोग तो देखो ये ये इम्प्योर ब्लड कलेक्ट हो रहा है जो कि इस वेसल में जा रहा है ये लंग्स के पास जा रहा है लंग्स उसको प्योर कर रहे हैं और प्योर ब्लड जो है वो कलेक्ट हो होके आ रहा है हमारे पास में लेफ्ट साइड के एट्रियम में लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर ये प्योर ब्लड जो है टिश्यूज के पास पहुंचाया जा रहा है आया समझ में जहां कहीं भी ब्लड का बाहर निकलना नहीं दिख रहा हर बार हमें दिख रहा है कि ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर ही फ्लो कर रहा है कैपिलरी बेड्स में फ्लो कर रहा है वेरी क्लियर एंड प्रोबेबली वेरी अप्रोपरिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरीथिंग राइट नाउ इज इट ठीक है क्या इतना समझ आ गया कि नहीं सभी लोगों को आ गया है ना तो थोड़ा सा तुम लोगों को एक पॉइंट मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि तुम्हें ध्यान रहे यार वो लिखा वो पॉइंट किधर चला गया वापस से लिखना पड़ेगा रुक जाओ है ना ब्लैक स्क्रीन ले रही हूँ क्लोज में प्रॉब्लम और एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स देखने ना इसीलिए और ओपन में यार उल्टा लिख गया क्या एक सेकेंड इसको इधर इधर कर देता हूँ नोट्स बनाते जाओ भाई साथ में अगर तुम लोगों को नोट्स खुद के हैंड रिटन पसंद आते हैं तो क्योंकि मुझे लगता है हैंड रिटन नोट्स काफी बच्चों को जो है आखिरी मोमेंट पे हेल्प करते हैं काफ़ी ज़्यादा किसी और के नोट्स पर डिपेंडेंसी की जगह जो पढ़ा रहे हैं उसको साथ साथ में लिखते चलो नोट करते चलो ओपन है और ये क्लोज है ठीक है बताओ ओपन में क्या एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एग्जाम्पल हो जाएगा पहला हमारे पास में वो हो जाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्थ्रोपोडा ठीक है तो आर्थ्रोपोडा के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा और किसके पास में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तो हम बोलेंगे मोलस्का के अंदर भी कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे आते हैं जिनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उनको हम बोलेंगे गैस्ट्रोपोडा मोलस्क ठीक है गैस्ट्रोपोडा मोलिस्क पर मैं एक अच्छी बात यहां बताती हूँ सिर्फ गैस्ट्रोपोडा मॉलिस्क बोलना भी एक सही स्टेटमेंट नहीं है हम ज्यादा बेटर क्या बोले जो ब्रैकेट में लिख रही हूँ वो ठीक है नॉन नॉन मतलब कि ऑक्टोपस वाले कैटेगरी के अलावा जितने भी मॉलिक का प्रेजेंट है ना उन सभी के पास में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो नॉन सिफेलोपोडा मोलस्क ठीक है इसके अलावा ये पहला हो गया हमारे पास में फर्स्ट आर्थ्रोपोडा दूसरा हो गया नॉन सेफेलोपोड मॉलस्क तीसरा क्या हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा ये वो ऑर्गेनिजम्स है जिनको हम मानते तो काफी डेवलप्ड है नॉन कॉर्डेट्स के अंदर पर फिर भी इनके पास में होता क्या है ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम एक और आ गया हमारे पास में हेमिकॉर्डेट्स जितने भी हेमिकॉर्डेट्स हैं उनके पास में क्या होता है ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम और एक एक्सेप्शन कॉर्डेट का ठीक है तो मैं कहती हूं एक्सेप्शनल कॉर्डेट कौन है यहां पर एक्सेप्शनल कॉर्डेट जनरली कॉर्डेट के पास में क्लोज होता है क्योंकि ठीक है लेकिन एक एक्सेप्शनल कॉर्डेट जिसके पास में ओपन है उसको हम बोल देंगे यूरोडेटा यूरोटा ठीक है क्या इतना सभी लोगों को एग्जाम्पल ध्यान रखना ये सारे एग्जाम में आ सकते हैं इसीलिए लिखवाए क्लोज वाले में क्या आ जाएंगे एग्जाम्पल हमारे पास में क्लोज वाले में आ जाएंगे आपके पास आ, यहां से कौन सा बाकी रहा देखो तो एनलीडा से चालू करते हैं देनाडा ठीक है आर्थ्रोपोडा तो नहीं आएगा मॉलिस्का में कौन सा ले लेंगे सिर्फ मॉलस्का सिर्फ मॉलिसका ठीक है इसके बाद में आ जाएगा हमारा फिर कॉडेडा सिंपल ज इट सिंपल ऑर नॉट दिस इज वेरी सिंपल नॉट ठीक है यू ऑल नी टू रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ओपन पे जा रही हूं मैं यहां पर एक पॉइंट लिख देती हूँ आपस से यहां पर क्या लिखना है हार्ट प्रेजेंट हो सकता है कि नहीं मे और मे नॉट बी प्रेजेंट ठीक है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट ध्यान रखना हाँ गलत मत करना कभी भी है प्रेजेंट है, है, है? 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 है ये ठीक है परंतु क्या नहीं प्रेजेंट है कैपिलरीज आर ऑलवेज गोइंग टू बी एबसेंट ये एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन जो कि अरे सिलेक्ट हो क्या कर रहे हैं रुको और हाँ यहाँ लिख रही हूँ मैं कि कैपिलरीज है, जो है इसमें दे विल बी एबसेंट ऑलवेज ठीक है दिस इज इम्पॉर्टेंट क्लियर ब्लड प्रेशर नियंत्रण वगैरह सब बात समझ आ गई कि नहीं आ गई बताओ

और मे नॉट अकर ठीक है परंतु गैमेट फ्यूजन नेवर अकर्स फ्यूजन नेवर अकर्स सिंपल ठीक है और अगला देखते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहां क्या आ जाएगा गैमेट फॉर्मेशन भी होगा ठीक है एंड फ्यूजन विल अकर दोनों होगा ठीक है क्या समझ आया या ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंपेरेटिवली सिंपलर मोड है और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंपेरेटिवली कॉम्प्लेक्स मोड है तो ऑटोमेटिकली हम जिसमें फाइला प्लेसिंग करेंगे तो ध्यान रखना कि फाइला प्लेसिंग में तुम गड़बड़ प्लेसिंग ना कर दो हमेशा फाइला सिंपल ए सेक्सुअल में रखना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जनरली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करेंगे यूनिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एनिमल्स नहीं होते हैं इसीलिए मैं यहाँ से काट रही हूँ उस पॉइंट को क्योंकि हमें ध्यान रखना है भले ही वो ए सेक्शुअल रिपोर्डक्शन परफॉर्म करते जरूर हो पर उनको एनिमल की कैटेगरी में मत रखना ठीक है तो ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन हाइड्रा ठीक है यहाँ पे पोटैटोस भी नहीं है क्योंकि एनिमल्स नहीं है मतलब है तो इसके अंदर ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पर यहाँ पर यह एग्जाम्पल्स काउंट मत करना मैं तुम्हारे लिए एक काम करती हूँ ना इसके लिए भी स्लाइड लिख देती हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करना है और एक किधर गया रुको एक सेकेंड यार ये रहा हाँ ठीक कलर सिलेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी ठीक है ढंग का कलर होना चाहिए चलो अभी भी देखते हैं ना इसको तो यहाँ क्या पढ़ा रही थी मैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें पायो जोई गो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें पाय जोई गो एक second. ए सेक्ल रिप्रोडक्शन चालू करो लिखना धड़ाप धड़ी फेरा है प्लेटी हेलमेंट है ना एस्केलमेंट के अंदर नहीं होता और फिर आ जाता है हमारे पास में एनलिडा में नहीं होता हम्म आर्थ्रोपोडा में नहीं होता एक कायनोडर्मेटा में हो सकता है थोड़ा थोड़ा सा सब मेंबर्स सब में नहीं है ना स्टारफिश में होता है क्योंकि हेमी कॉर्डेटा में नहीं होता कॉर्डेटा में तो नहीं होता है जनरली है ना ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इतने एग्जांपल्स ध्यान रखना काफी है सफिशियंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ लिख रही हूँ हायर फाइला सिर्फ हायर फाइला ठीक है चलो क्योंकि हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है इसमें दिस इज डन ओके दिस इज अंडरस्टूड टू ऑल अगला पढ़ेंगे हम फटाफट से वो रहेगा बॉडी प्लान क्या चीज होती है ठीक है तो समझना बॉडी प्लान में जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म लेवल है है ना और उसके अंदर मैंने कहा उसकी बॉडी किस प्रकार की है क्या वो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं ना सेल से बनी है कि टिश्यू से बनी है कि ऑर्गन से बनी है कि ऑर्गन सिस्टम उसकी बात नहीं कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि जनरल बॉडी का लेआउट या प्लान किस प्रकार का है क्या बॉडी सेल की एग्रीगेट है एक तो ये पॉइंट है दूसरा है क्या बॉडी ऐसी कुछ है जिसके अंदर एक ही अपर्चर है आने और जाने के लिए तीसरा हो जाएगा क्या बॉडी के अंदर एक बड़ी ट्यूब के अंदर एक छोटी ट्यूब चल रही है क्या आप लोग इसको रिलेट कर पा रहे हैं कि ये टाइप ऑफ बेसिस ऑफ बॉडी प्लान जो है कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में लिंक्ड है Isn't it? तो इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मैंने जो बोला वो याद रखते हो तो ठीक है इसको हैं ठीक है। सो so दैट हमारे दिमाग में इमेज बन जाए कि हमने जहां ओपन रखा था सॉरी इनकम्प्लीट रखा था डाइजेस्टिव सिस्टम और जहां हमने कंप्लीट रखा था वहां इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले के पास में ऑटोमेटिकली

तो मैं बोल दूंगी बॉडी प्लान इज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान ठीक है जैसे कि होता है फाइलम में ठीक है फिर आता है कि क्या बॉडी के पास सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग है जो कि माउथ की तरफ भी काम कर रही है और एनस की तरफ भी काम कर रही है एक अंधा रास्ता अंधा कुआं ब्लाइंड सैक ठीक है आया समझ में इसके अंदर आ जाएंगे एग्जांपल्स आपके पास में सिलेंट्रेटा ठीक है फिर आ जाएगा टीनो फोरा एंड प्लेटी हेलमेंट इन जनरल विदाउट एक्सेप्शन की बात नहीं कर रही है। मैं है ना एक्सेप्शन काउंट नहीं कर रही हूं एक जनरल बता रही हूं बात आखिरी आता है आपके पास में कि जिसके पास माउथ हो खाने की एंट्री के लिए और एनस हो फीकल मैटर की एग्जिट के लिए इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ जाएंगे एस्केलमेंथीज से आगे तक onwards ठीक है चलो इतना समझ आ गया तो कई बार क्या होता है कि uh, मतलब लेक्चर जो है बहुत uh, मतलब समझ में आता है थियोरटिकल हैं और बहुत सारी बातें करने का टाइम नहीं मिल रहा है वी आर नॉट गेटिंग लॉट ऑफ टाइम टू यू नो डिस्कस अदर थिंग्स सो आई एम प्लानिंग टू कीप लाइव सेशन फॉर जस्ट यू नो इंट्रैक्शन समटाइम्स इन अ वीक वी विल ट्राई फॉर दैट

ठीक है क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है तुम लोगों को पता रखा है मैंने मैं बहुत ज्यादा फालतू बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि टाइम अलाउ नहीं कर रहा है है ना तो टाइम अलाउ नहीं कर रहा हम लोग को हमें सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना है चीजें यू नो सही तरीके से कंप्लीट हो डिटेल्स भी हो जाए कवर अप इसीलिए ठीक है थीके? चलो ओके okay. तो देखते हैं ऑन द बेस ऑफ जर्म लेयर अगला क्लासिफिकेशन का पैरामीटर है जर्म लेयर क्या होती है जर्म का मतलब जर्म्स ही नहीं होता सिर्फ अकेला जर्म का मतलब होता है लैटिन टर्मिनोलॉजी में टू गिव राइज टू किसी को बनाना टू गिव राइज टू जैसे कि हम जब पूरे के पूरे बन जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म के रूप में हमारा एक्चुअल में बनाने वाला जो प्रोजेनेटर सेल था सिंगल सेल था ठीक है वो कौन था वो था जायगोट अब मुझे एक बात बताओ कि अगर हम सब बने जायगोट के डिवीजन से हैं कहीं ना कहीं समवेयर तो क्या आप लोगों को आश्चर्य नहीं होता कभी कभी कि एक सिंगल सेल हमारी पूरी बॉडी के सारे ईच एंड एवरी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स को राइज कैसे दे देता होगा देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड ए सेल डिविजन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सेल डिफ्रेंसिएशन इज इंट इट तो हमारे पास में जब हम डिवाइड होते हैं जयगोड से टू सेल स्टेज बनते हैं फिर इंटरमीडिएट थ्री सेल बनते हैं फोर बनते हैं ऐसे करते करते एट बनते हैं सिक्सटीन बनते हैं थर्टी टू बनते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक रीच कर जाते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के जस्ट बाद आती है गैस प्रोसेस ठीक है इट इज गैस गैस चूला, गैस चूला नहीं है ये गैस ये गैस स्टेज के अंदर बेसिकली हमारे जॉम लेयर्स का फॉर्मेशन होता है और जॉम लेयर्स में डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है अगर किसी ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी को बनाने के लिए सिर्फ दो जर्म लगी तो वो हो जाएगा डिप्लोब्लास्टिक अगर किसी पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने के लिए तीन जर्म लेशिएटेड हुई तो हम बोलेंगे ट्रिप्लो ब्लास्टिक. आया समझ में इन तीन जर्म लेयर्स के नाम क्या क्या हैं? एक का नाम है एंडोडर्म एक का नाम है मीजोडर्म और एक का नाम है एक्टोडम ठीक है चलो तो किसी किसी के पास में सिर्फ एंडो और एक्टो होगा और किसी के पास में सिर्फ तीनों होंगी एंडो मीजो और एक्टो जिनके पास सिर्फ एंडो और एक्टो होगी उनको डिप्लो बोलेंगे तीनों होंगी तो ट्रिप्लो बोलेंगे ठीक है इसको देख लेते डायग्रामेटिकली सिंपल है बहुत टफ नहीं है ये डोंट वरी ठीक है देखो इसको समझते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है तो डिप्लोब्लास्टिक के अंदर आ जाएंगे आपके पास में एक्टोडर्म और एंडोडर्म ये क्या लिख दिया एंटोडर्म एक एंडोडर्म हाँ तो ये एंडोडर्म अंदर वाली दिख रही है और ये एक्टोडर्म बाहर वाली दिख रही है अगर सिर्फ दो ही हैं तो देखो यहां पर नहीं है मीजोडम इस वाले में ये फर्स्ट है ये सेकेंड है फर्स्ट वाले के पास में क्या आप लोगों को किसी भी एंगल से मिजोरम दिख रही है लेकिन यहां तो आपको दिख रही है भी दिख रही है ना सभी लोगों को दिस येलो वन इट सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडो प्लास्टिक के पास में ओनली टू जॉम प्रेजेंट ठीक है टू जॉम लेयर्स कौन कौन सी हैं एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ठीक है तीसरी जर्म लेयर नहीं है इनके पास में लेकिन एक जेलेटिनस सब्सटेंस है जेली लाइक -like मीजोग्लिया प्रेजेंट है जो कि इन दोनों को मतलब कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म को कनेक्ट कर रही है यहां देखें तो तीन जर्म लेयर्स हैं, ठीक है? ये हो जाएंगी एक्टोडम प्लस मीजोडम प्लस एंडोडम ठीक है क्या समझ आ गया एग्जाम्पल्स लिख दू डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाएंगे चलो बता दो कौन कौन से हो जाएंगे डिप्लोब्लास्टिक के अंदर आता है फाइलम सिलेंट्रेटा ऑनवर्ड्स पॉरीफेरा के पास में कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं याद करो हमने सबसे पहले पढ़ा था ये कि पॉरीफेरा के पास में सेल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है कोई टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हो रहा है इसीलिए पॉरीफेरा के अंदर कभी भी डिप्लोब्लास्टिक वर्ड का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हमें उसको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखना है ना डिप्लो ना ट्रिप्लो ठीक है तो डिप्लो ब्लास्टिक में आता है सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा दो फाइला ठीक है और ट्रिप्लो ब्लास्टिक में कौन आ जाता है फिर सिंपली इसके आगे वाले सारे माने की प्लेटी हेलमेंट और टू कॉर डेटा ऑनवर्ड्स है पूरा है ना ठीक है इतना आ गया ख़त्म मामला क्लियर ऐसे लग रहा था ना कि ये तो एक ही लेक्चर में हो जाएगा ठीक है काफ़ी सारे फैकल्टीज को मैंने देखा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे दैट दे डू कंप्लीट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वन सिंगल लेक्चर ऑफ ट्वेंटी मिनट्स ठीक है एंड आई डोंट फील लाइक दैट कि ये अच्छा है द रीज़न बिहाइंड दैट कि ये बेसिक्स हैं और जब हमारी नींव मजबूत नहीं होती है तब हम शायद बड़े कॉन्सेप्ट्स को आसानी से नहीं समझ पाएंगे सही बात है जब कोई इंसान घर भी बना रहा होता है और उसने नींव ही मजबूत नहीं रखी तो बड़ी बड़ी दीवारें बना देने से क्या है डर रहेगा दिमाग में हमेशा कि कहीं गिर नहीं जाए कहीं ढह नहीं जाए या शायद सपोर्ट ही ना हो ठीक है तो वेन एवर यू अप योर कॉन्सेप्ट फ्रॉम द बेसिक्स टू तो द हायर लेवल इन एन अप्रोप्रिएट मैनर तभी तुम्हारा फायदा है ठीक है तभी तुम्हें चीज़ें रिकॉग्नाइज भी हो पाएंगी आसानी से और रिटेंट भी हो पाएंगी याद भी रह पाएंगी अब तुम सोचोगे कि यार ये तो इतना इलाबोशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी तो फालतू में इतना पढ़ा दिया इन्होंने ठीक है ये रोना गाना बंद कर दो तुम लोग मेडिकल एस्पिरेंट्स हो तुम्हें हर एक चीज को बेसिक्स से ऊपर उठाना आना चाहिए है ना जब तुम एक्चुअल में एमबीबीएस कॉलेजेस में जाओगे तो कोई बड़े बड़े डिजीजेस के पैथोफिजियोलॉजी पहले पढ़ोगे ना कि वाई दिस हैपनिंग हाउ दिस इज हैपनिंग वट इज द रीजन बिहाइंड दैट तभी तो तुम लोग मेडिकामेंट्स पढ़ने जाओगे ट्रीटमेंट पढ़ोगे फार्माकोलॉजी पढ़ोगे और पीके पीडी पढ़ोगे ये हवा में नहीं हो जाता इसलिए बेसिक्स को ऊपर उठाने की हमेशा कोशिश करिए ठीक है चलो इतना हो गया यार ये जर्म लेस भी समझ आ गई हैं आगे देख लेते हैं सीलोम की बात करते हैं एट्थ वाले पे आ गए हैं ना ऑन द बेस ऑफ सीलोम मैंने सील वर्ड बताया थोड़ी देर पहले कोई मुझे बताएगा सील वर्ड जल्दी बता दो तो। क्या होता है सील वर्ड थोड़ी देर पहले ही बताया था जल्दी बोलो क्या होना चाहिए कैविटी बराबर ठीक है तो सील का मतलब होता है कैविटी कैविटी अगर मैंने क्या दिया कि ऑन द बेस ऑफ सीलोम की बात कर रहा हूं ए सीलोम मतलब कि क्या कैविटी नहीं है नो बॉडी कैविटी ठीक है सीलोम मतलब कि फॉल्स सीलोम कैसा हो गया फॉल्स बॉडी कैविटी और सीलोमेट, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, कैसी ट्रू बॉडी कैविटी तो अब मुझे बताओ कि मैं ये सीलोमेट को यू सीलोमेट भी बोल सकती हूं नहीं? अगर मैंने इसी को बोला होता यू सीलोमेट तो कोई गलती नहीं है ना क्यों क्योंकि यू का मतलब होता है ट्रू तो ट्रू बॉडी कैविटी होगी ना इसके पास में, है? देखो समझना है इसमें ध्यान से एक पॉइंट को सभी लोग सुनो ध्यान से कान खोल के ठीक है बॉडी कैविटी का मतलब क्या होता है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है पहले तो जब मैंने बोला कि बॉडी कैविटी का क्या तात्पर्य है वट इज़ द रीजन बिहाइंड दैट वाई वी आर यूजिंग दिस टर्म बॉडी कैविटी तो इमेजिन करो अब तुम लोग तुम्हारे पास में अंदर की तरफ चलता हुआ एक स्मॉल इंटेस्टाइन अरे उस फोटो को ले सकते हैं हम लोग एक मिनट रुको यहाँ जाती हूँ कहाँ गया वो सिलोमला ये रहा ठीक है ये ये ग्रेट फोटोग्राफ रहेगा तुम्हारे समझने के लिए देखो ध्यान समझना ठीक है कि अगर मैंने और एक किधर गया फिर से ये रहा हम्म ये रहा देखो मैंने बोला ये इंसान के एक्सटर्नल बॉडी वॉल है एक्सटर्नल बॉडी वॉल है ठीक है अच्छा ये तो हमें समझ में आ गया इसका यही अंदर की तरफ से कर दो तो मैं क्या इसको इंटरनल बॉडी वॉल बोल सकती हूँ बिल्कुल इंटरनल बॉडी वॉल है ठीक है अच्छा अब मुझे बताओ जल्दी से कि क्या ये जो रन कर रहा है एलिमेंट्री किनॉल यहाँ स्टमक को ले लिया अगर सपोज मैंने तो क्या मैं इसको एलिमेंट्री केनॉल बोल सकती हूँ ठीक है पूरे को क्योंकि वो कंटिन्यूस है अब मुझे बताओ क्या तुम्हें और जगह दिख रही है इनके बीच में कि नहीं दिख रही है है ना तो मुझे बताओ एलिमेंट्री केनॉल के आसपास लेकिन बॉडी कैविटी के इनर साइड से आगे ठीक है क्या बीच बीच में ऑर्गन्स को प्लेस करने के लिए जगह है जैसे कि लिवर यहाँ पर प्लेस्ड है क्या लिवर रख पाए हम लोग क्या हम और भी बॉडी के ऑर्गन को रख पाएंगे दिस इज वेरी क्लियर इस जगह को बीच में जो प्रेजेंट है हम लोग बोलेंगे बॉडी कैविटी दिस इज कॉल्ड एस बॉडी कैविटी ठीक है आ गया समझ में तो बेसिकली द प्लेस और द स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन द इनर बॉडी वॉल एंड द आउटर गट वॉल आया समझ में द इनर बॉडी वॉल एंड द आउटर गट वॉल विल बी कॉल्ड द बॉडी कैविटी सिंपल है ठीक है तो अब देखते हैं द स्पेस बिटवीन इनर बॉडी वॉल एंड आउटर गट वॉल इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी ठीक है चलो अब मेरे को बता दो जल्दी से तुम लोग यहाँ ट्रू और फॉल्स का मतलब नहीं बताया मैंने अभी तक मैंने सिर्फ बताया कि बॉडी कैविटी क्या होता है अब मैं ट्रू और फॉल्स का मतलब बता देती हूँ समझना है ना देखो ट्रू बॉडी कैविटी क्या होता है ट्रू सच्ची कौन सी हो सकती है ना यार कलर सब बच्चे बोलते हैं कि रेड मत लेना मैम तो कोई लाइट ले लेते हैं अपन ठीक है देखो ट्रू और एक हो गया फॉल्स शब्द समझना ठीक है ट्रू बॉडी कैविटी का मतलब होता है वेन बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडॉम ऑन बोथ साइड बोथ साइड कौन सी बता दो तो जल्दी से एक तो इनर बॉडी वॉल और एक आउटर गर्ट लेयर इन दोनों ही जगहों पर अगर बॉडी कैविटी लाइंड है मीजोडाम लेर से तभी वो बॉडी कैविटी ट्रू बॉडी कैविटी कहलाएगी हालांकि एक पॉसिबिलिटी यह भी है कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट तो है परंतु वो दोनों तरफ से मेजोडरम लेयर से लाइन नहीं है तो हम उसको बोल देंगे फॉल्स बॉडी कैविटी वेन बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म ऑन बोथ साइड्स ठीक है क्या चलो अब देखते हैं इसको इसका मतलब आ गया समझ में इतनी बात ट्रू और फॉल्स का मतलब समझ आ गया अब देखो ये दिखते हैं अपन, ये डायग्राम से काफी चीजें क्लियर होंगी है ना पहला देखो फर्स्ट वाला यहां से नीचे चालू करते हैं ठीक है फर्स्ट वाला ये फर्स्ट वाला है ये है ए सीलोमेट ये क्या है द फर्स्ट वन इज ए सीलोमेट बताओ क्या समझ में आ रहा है इसके अंदर कि इसमें बॉडी कैविटी नहीं है देखो ये दिख रही है हमको आउटर बॉडी वॉल ठीक है और ये हमको दिख रही है ल्यूमन को डाइजेस्टिव सिस्टम को लाइन करती हुई वॉल इनर बॉडी सॉरी एंडोडम वॉल ऑफ डाइजेस्टिव कैविटी और बीच की जगह दिख रही है सब लोगों को ये ये सब लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर अगर स्पेस होती तो हम उसको सीलोम बोलते हैं लेकिन इनके साथ पंगा क्या है यहाँ पर जो ये बीच की पूरी स्पेस है ना यहाँ पर टिश्यू भरा हुआ है कोई कैविटी खाली नहीं छोड़ रहा तो हमें बोलना पड़ जाएगा कि सीलोम है ही नहीं जगह ही नहीं छोड़ रहा है मेजोडम ने पूरा पैक कर दिया है ना तो इसको बोल देंगे हम लोग ए सीलोमेट ऑर्गेनिज्म जहां पर कोई कैविटी नहीं छूटती इनफैक्ट लूजली प्रेजेंट टिश्यू पूरी की पूरी बीच की जगह को पैक कर देता है कॉम्पैक्टली और इसीलिए हम बोल देंगे ए सीलोमेट जहां पर टिश्यू फिल्ड रीजन जो दिख रहा है ना आप लोगों को दिस रेड वन पूरा का पूरा इसको बोल देंगे पैरन प्लांट वाला जैसे शब्द है लेकिन बोलेंगे क्या पैरन कितने लोगों को समझ आया प्रोबेबली यस ए सीलोमेट समझ आया ए सीलोमेट यार यहाँ लिखना ना मुश्किल वाली बात है क्योंकि तुम कन्फ्यूज हो जाओगे कि वहां क्यों लिख दिया रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ ऐसा हटा देते हैं अपन यहाँ से ऐसे समझते हैं देखो ये फर्स्ट आ गया ए सीलोमेट सेकेंड देखो सीडो सिलोमेट है ये वाला कौन सा है ये सीडो सीलोमेट बताओ क्या दिख रहा है दिख रहा है कि एक्सटर्नल साइड पर जो प्रेजेंट है ना हमारी कैविटी सॉरी बॉडी वॉल की एक्सटर्नल लाइनिंग ये हो जाएगी हमारी एक्टोडम जैसे यहाँ पे थी वैसी और गट को लाइन करते हुए हो जाएगी एंडोडर्म जैसे यहाँ थी वैसी लेकिन कैविटी भी प्रेजेंट है पर कैविटी के सिर्फ एक ही तरफ मीजोडम है और दूसरी तरफ नहीं इसका मतलब हो गया कि बॉडी कैविटी तो है पर दोनों साइड से मीजोडम लाइन नहीं कर रही तो वो हो जाएगा सीडो क्लियर तीसरा देखते हैं तीसरा होता है यू सीलोमेट यू सिलोमेट यू मतलब कि ट्रू सिलोम ठीक है एक सेकेंड यू सिलोमेट है ना यहां पर कलर ताकि तुम्हें तो दिख पाए इसीलिए ले रही हूं ओके देखो यू सिलोमेट में क्या समझ आ रहा है कि यहां पर आउटर बॉडी वॉल एक्टोडर्म दिख रही है सभी लोगों को ये मैंने बना दिया ठीक है और ये ये गट वाली दिख रही है सबको ठीक है और ये कैविटी दिख रही है बीच में ठीक है और कैविटी के दोनों तरफ अगर ध्यान से देखे तो तुमको दिख रही है मीजोडॉम ऑन बोथ साइड्स देखो इस तरफ भी है मेसोडर्म और इस तरफ भी है मेसोडर्म तो मैं ये बोलूंगी ना कि कैविटी जो है इट इज अलाइन्ड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ साइड्स क्लियर हुआ ऑन बोथ साइड्स क्लियर हुआ सबको जल्दी बोलो हम्म ये ये बहुत बेसिक चीज है जो कि समझ आनी बहुत जरूरी है एक स्टूडेंट को नीट एस्पिरेंट है जो कि समझ में आनी जरूरी है ठीक है समझ आ गया मैं तुम्हारे लिए एक पॉइंट लिख देती हूँ किसके अंदर क्या होगा एक क्वेश्चन के पॉइंट है सारे के सारे बच्चा दिस एवरी एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार क्वेश्चन आर कंसर्न ठीक है तो आई विल राइट इट ओवर हियर वन सेकेंड सो वेयर इट इज सी दिस क्या आ जाता है हमारे पास में पहले ए सीलोमेट एग्जाम्पल कौन हो जाएगा इसका फाइलम प्लेटी हेलमेंट कौन हो जाता है फाइलम प्लेटी हेलमेंट ठीक है फिर क्या आ जाता है सीडो सीलोमेट कौन आता है एग्जाम्पल में इसमें एस केलमेस एस को नीमाटोडा भी बोलते हैं ठीक है ठीके? और फिर आता है यू सीलोमेट और इसमें आ जाते हैं हमारे पास में कहां से कहां तक एनेलिडा से लेके तो और लेकिन कॉर डेटा तक अब एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात और आई सामने कि ये जो यू है ना ये दो पार्ट दो टाइप्स के हो सकते हैं एक हो सकते हैं ये लोग शाइजोसिलोमेट शाइजोसिलोमेट और एक हो सकते हैं ये लोग एंटेरोलोमेट एंटेरोलोमेट जिसमें कि शाइजोसिलोमेट के अंदर आते हैं एनलीडा आर्थ्रोपोडा का और एंटेट के अंदर आते हैं टू कॉर्डेटा आप समझ रहे हो दो भाग में डिवाइड कर दिया मतलब फर्दर कोई बात समझने की है यहां पर वो ये है कि एंटेरो और साइजोसिलोमेट कौन कैसे बनते हैं क्या है इनका मेथड ऑफ फॉर्मेशन ये समझने के लिए एकदम सिंपल तो मैं एक बात बताती हूँ फोटोग्राफ से तरीका कैसा है बनने का उस हिसाब से इनके नामकरण है देखो तो क्या होता है अगर मैंने बोला होता पहले शायद समझते हैं क्योंकि शायद पहले आती है ना इसीलिए एनोलीडा आर्थ्रोपोडा और मोलिस्का में देखो क्या होता है कि ये दिख रहा है ब्लास्टोपोर ये स्टेज है बेसिकली ना जब हम बोलते हैं कि ब्लास्टोपोर का फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है ये एम्ब्रॉनिक लाइफ है बेसिकली ठीक है उस समय ये बन कैसे रहे उसके ऊपर डिपेंडेंस है इनकी नाम की अब देखो कुछ सेल्स यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं ये ब्लू कलर के ये बेसिकली सेल्स जो हैं ये ब्लास्टोपोर एरिया से अराइज हुए तो हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर ने इनको राइज दिया ब्लास्टोपोर ने इनको राइज दिया और ये कुछ इस प्रकार से अरेंज हो गए जो कि पहले तो कॉम्पैक्ट थे ऐसे करके लेकिन धीरे धीरे इनके बीच में एक स्प्लिट डेवलप होने लगा आया समझ में तो पहले सेल्स कैसे कॉम्पैक्ट और बाद में कॉम्पैक्ट सेल्स के बीच में एक स्प्लिट डेवलप होने लगा और इसीलिए हम इनको बोल देते हैं शाइजो सीलोमेट। शाइजो का मतलब होता है स्प्लिटिंग से डेवलप हुई कोई चीज स्प्लिट स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग से सीलोम बनी ठीक है तो बोल देंगे शाइजो सीलोमेट क्या ये समझ आया फर्स्ट पॉइंट तो शाइजो सीलोमेट तरीका कैसा था सीलोम बनने का उसके ऊपर डिपेंडेंस फर्स्ट पॉइंट हो गया सेकेंड आता है एंटेरोलोमेट जहां पर शब्द एंटेरो जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या समझा देती हूँ एंट्रो मीन्स होता है इंटेस्टाइन ठीक है और सीलोम का मतलब तो सीलोम होता ही है ठीक है तो एंटरो सीलोमेट जो होते हैं ना ये कैसे बनता है ये बनता है इनकी एंटरो मतलब कि गट की जो वॉल है गट की जो वॉल है इससे आउट पॉकेट होके बन रही है मिजोरम मिकी माउस कैसे होते हैं कान जो वैसे से इनकी आउट पॉकेटिंग हो रही है ये आउट पॉकेटिंग से बन रही है मिजोरम और फिर ये अलग हो जाएगी सेपरेट हो जाएगी इस प्रकार से आया समझ ठीक है तो इसको बोल देंगे एंट्रोसिलोमेट बेसिक क्या समझ में आया हमें कि शायजो सिलोमेट हो सकता है और एक हो सकता है एंट्रोसिलोमेट क्लियर टू ऑल आ गया समझ में शायदो सिलोमेट यू सिलोमेट के वो टाइप है जिनकी मिजोरम स्प्लिटिंग से बनती है और एंट्रोसिलोमेट यू सिलोमेट के वो टाइप है जिनके इंटेस्टाइन के आउट पॉकेटिंग से मिजोरम बनती है ठीक है क्या चलो तो हमारा सिक्स बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया बहुत सारा है ये ठीक है सर दो पॉइंट्स बाकी हैं पक्का उसके बाद क्लास होवर है ना एक पॉइंट देखते हैं हम लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसमें तुम लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी सिंपली एग्जाम्पल दिखाऊंगी समझ आ जाएगा क्योंकि वो है ना देखो आ, ओके देखो ध्यान से ये दिख रहा है सभी लोगों को ये एक ये दो ये तीन चार पच ऐसे बहुत सारे हैं ये सब क्या है ये सब है सेगमेंट है ना क्या ये बाहर का डिवीजन है एक्सटर्नली सेगमेंटेड एक्सटर्नल क्या ये अंदरूनी तरीके से देखा जाए तो क्या कोई चीज रिपीट हो रही है तो हाँ दिख रहा है नर्वस सिस्टम जो है ये रिपीटेशन में प्रेजेंट है देखो दिख रहा है इंटरनल है ना ऐसे ही देखा जाए तो इस वाले ऑर्गेनिज्म में यहाँ आउटर सेगमेंटेशन है और काफी हद तक इनर सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट होगा है ना इनर सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट होगा क्या समझ में आना चाहिए मेटामेरिक सेगमेंटेशन बेसिकली मेटामियर्स शब्द यहां पर मेटामियर या तो फिर सोमाइट भी बोलते हैं इसको सोमाइट ये क्या होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी डिवाइडेड है ठीक है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल सेगमेंटेशन अगर प्रेजेंट हो बॉडी में तो हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन जब बच्चे एन -E खोलते हैं तो वो देखते हैं कि एन -E के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन में सिर्फ एक मात्र एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है एनलीडा ठीक है और लेकिन जब एनटीए के मॉक टेस्ट आए थे ना इस साल तो एन के मॉक टेस्ट ने हर बार की तरह जो पहले आंसर करते थे वही दिया हुआ है तीन फाइलम आते हैं इसमें एक आता है एनेलिडा जिसमें अर्थवर्म आता है एक आता है आर्थ्रोपोडा कॉकरोच वाले और एक आता है कॉर्डेटा जिसमें हम है ये तीनों ही फाइलम को वो लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन वाले एग्जाम्पल्स में प्लेस करते हैं तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आता है अक्सर ही ठीक है तो फटाफट से रीडिंग लगा ले इसकी देखो मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज ट्रू सेगमेंटेशन इन व्हिच एक्सटर्नल सेगमेंटेशन टू द इंटरनल सेगमेंटेशन बाहरी सेगमेंटेशन और अंदरूनी सेगमेंटेशन है 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 ठीक है? और बॉडी बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड जहां पर repetition हो रहा है किसी ना किसी ऑर्गन का या किसी मसल का जैसे कि मैंने आप लोगों को नर्वस सिस्टम का रिपिटेशन दिखाया इधर इस प्रकार के सेगमेंटेशन को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन ये एक प्रकार का ट्रू सेगमेंटेशन है और अगर सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता तो उसको क्या बोल देते है? हम लोग ट्रू नहीं बोलते फिर क्या बोलते उसको फॉल्स ठीक है तो ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इफ प्रेजेंट ठीक है तो उसको क्या बोल देने का फॉल्स सेगमेंटेशन आया मच ठीक है ऐसे एग्जाम्पल होता है फाइलम फाइलम एस्केलमेंथीस, नहीं सॉरी गलत बोली मैं एक है इसका एग्जांपल होता है टेनिया सोलियम और टेनिया सोलियम जो होता है वो होता है फाइलम प्लेटी हेल्मंथ प्लेटी हेल्मंथ ठीक है क्या आया समझ इतना सभी लोगों को चलो तो ये हो गया बढ़िया खत्म तुम्हारा मामला आखिरी देख लेते हैं नोटो है ना तो नोटो क्या चीज होती है समझना नोटो क्या होती है आप सभी लोग जो है, अपने हैं अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि नहीं लकी मानने का कारण है आपके पास में कि आप सबके पास में प्रेजेंट है वोटेबल कॉलम हमारी रीढ़ की हड्डी है ठीक हैव अ रीढ़ की हड्डी अ वोटेबल कॉलम जिसके सपोर्ट के बलबूते पर हम लोग स्टैंडिंग पोजिशन में रहते हैं अक्सर या हम लोग इरेक्ट बॉडी रख सकते हैं अपनी राइट एंड मेनी ऑर्गेनिजम आर नॉट है दिस काइंड ऑफ इंडोस्केलेटिन बॉडी राइट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट देर इज अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज नोटो नोटोकॉड नोटोकॉड इज बेसिकली इन ओरिजिन मीजोडर्मल कैसे स्ट्रक्चर है एक प्रकार का मीजोडर्मल विच कैन गिव राइस टू और कैन फॉर्म वर्टिब्रल कॉलम है ना अगर इसने वर्टिबल कॉलम बना दी तो इस केस को हम लोग बोल देंगे वर्टिब्रेट ठीक है अगर इसने वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनाई लेकिन तब भी प्रेजेंट है तो वो नॉन वर्टिब्रेट हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है किसी भी रूप में मतलब कि वन या टू में से किसी भी रूप में प्रेजेंट है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोल देंगे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट वाले कॉर्डेट, डेट तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिकली कॉर्डेटा ठीक है चलो ओके okay. नोटोकॉर्ड no प्रेजेंट नहीं है तो क्या बोलना है नॉन कॉडेट सिंपल तो ये समझ आ गया ना मेजरमल स्ट्रक्चर है जो कि डोरसल साइड पे प्रेजेंट होता है देखो एक इंसान की बॉडी हमने ली इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया ताकि तुम्हें समझ आए कि इस तरफ जो है ना ये वाला साइड इसका वेंट्रल साइड है बॉडी का और ये वाला कैसा हो गया डॉरसल और यहाँ नोटोकॉर्ड no देखो किस तरफ प्रेजेंट है ये वाली डोरसल साइड ठीक है तो ये डोरसल साइड पर प्रेजेंट है और जिसमें होती है उनको कॉर्डेट बोलते हैं जिसमें नहीं होती उनको नॉन कॉर्डेट बोलते हैं ठीक है तो कॉडेट चालू कहाँ से होते हैं बताओ सदी से यूरोडिटा सिफेलोकॉडिटा यहां से चालू होते हैं ठीक है तो प्रोटोकोर्डेट्स बोलते हैं इनको ऑनवर्ड्स आए समझ में और जिनके पास नहीं थी वो जाएंगे नॉन कोर्डेट्स है ना अच्छा पॉरीफेरा से लेके एक कानिटा की जगह मैं इसको चेंज करके लिख देती हूँ पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डिटा ओके दिस इज डन एंड अंडरस्टूड नोटो कार्ड समझ आ गई सभी लोगों को तो इस हिसाब से तुम लोगों को एक बहुत सारी चीज़ मैंने कम्प्लीट कराई है आज हमने बेस ऑफ क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा कम्प्लीट कर लिया है अब मेरा तुम्हारे से क्या पॉइंट है कि तुमको मैंने जितने भी बेस ऑफ क्लासिफिकेशन बताए हैं ना उन सभी से तुम एक चार्ट प्रिपेयर कर लो एक कम्प्लीट चार्ट जिसमें हर एक चीज़ का मैंशन हो ठीक है और ये वाला चार्ट तुम्हारा अगले क्लास तक हो जाना चाहिए ताकि हम लोग फिर फाइलम पौरी फरह पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब जब हम लोग फाइलम परि फरह से लेकर और आपका कॉल्टर तक पूरा पढ़ेंगे तब आप लिख के रख लो गारंटी कि आपको इतना डिटेल करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने पहले बेसिस को ठीक से पढ़ लिया जब आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक से पढ़ लेते हो ना आपके मैक्सिमम पॉइंट तो वहीं कवर हो जाते हैं सिर्फ एग्जैक्ट एग, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट क्या क्या है अलग से वो हमें पढ़ने पड़ते हैं फिर पॉरी फरा से लेके तो और कॉडेटा तक ठीक है तो इसके बाद यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे फाइलम पॉरीफरा स्टार्ट करूंगी मैं नेक्स्ट क्लास में और सारे स्टूडेंट्स जो हैं प्लीज Uh, जितना जितना पढ़ा रही हूँ उसको समझें अगर समझ में आता है तो कमेंट्स में बताएं प्लीज़ ठीक है और आप लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स है फर्दर उसको भी कमेंट्स में बताएं प्लीज़ मत बोलना कि बो, बोर्ड और चौक पर पढ़ाओ या मार्कर से पढ़ाओ क्योंकि इतना सारा जब पढ़ाते हैं तो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जितना इंपॉर्टेंट है जो छाप छोड़ सकता है दिमाग पे वो चौक एंड बोर्ड पे कभी भी पॉसिबल नहीं है ठीक है सो आई एम नॉट ट्राइंग टू वेस्ट योर टाइम एट एनी कॉस्ट I want your studies to be very much effective. Thereby, I am teaching with this methodology and I hope you all will like it. So, please share your responses in the comment section and do not forget to share, like, and subscribe our channel since we are providing the quality education to all. Bye everyone. We'll meet tomorrow.